अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग स्टडी कर रहे थे फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1। हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया, टॉपिक नंबर 12.4, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कल हमने स्टडी किया था इंजेक्ट प्रिंटर्स, यानी कि सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है टॉपिक नंबर 12.5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पेज नंबर 9। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको प्रीवियस रिव्यू दे देती हूँ अपने लेक्चर्स का, जो हमने स्टडी किया है चार्जेस के बारे में। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं और उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इस टॉपिक के साथ उसका क्या है, जिसके मुताबिक हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मेजरमेंट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि हम मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वक्त में कितनी पास आउट हुई हैं, कि मैक्सिमम पास आउट हुई हैं, मिनिमम पास आउट हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करने को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया में से जितनी पास होंगी उनका जितना एरिया होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो फॉर्म है ई डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू ए, ये क्या डॉट प्रोडक्ट है इसका, तो ई ए का डॉट प्रोडक्ट होता है ई ए कोस थीटा। ई ए जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो उसकी जगह कोस थीटा आ जाता है। ठीक है, इस साइन को हम इसको किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन क्या है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, वो है फाई। फाई से इसको हम कहते हैं फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसके साथ ई छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाहिर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाहिर कर रहा है और इस साइन को हम कहते हैं फाई। तो फाई ई इक्वल है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो ई ए कॉस थीटा आता है। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी जगह कॉस थीटा आता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है। ठीक है, और जो इसकी नेचर है, नेचर क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट्स है ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि एक सब्सटेंस में से एक चीज़ में एक एरिया कितना पास आउट हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक बॉडी में से या एक टाइप में से, जितनी भी हम लाइंस ले लें, कोई भी एरिया ले लें, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब हमें इन्होंने दो से तीन मेजरमेंट्स करके बताई हुई हैं कि किस सूरत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होता है, किस सूरत में मिनिमम होता है और किस सूरत में नॉर्मल पास आउट होता है। तो सबसे पहले कौन सा है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, वो कौन सी सूरत है, जब कोई चीज़ हमारे परपेंडिकुलर होगी तो उसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लाइंस पास आउट हो रही हैं उस एरिया में से। मैक्सिमम लाइंस कब पास आउट हो रही हैं, जब वो फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे कि अगर हम इस रजिस्टर को ऐसे रखते हैं, ऐसे हमने इस रजिस्टर को रखा है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तेज़ी से इस साइड को पास आउट होंगी। जब इस साइड को पास आउट होंगी तो वो तेज़ी से इसमें से पास आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर है। जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर है, जैसे आपको इस एरो से शो हो रहा है कि इसमें से फील्ड जो है वो तेज़ी से ज़्यादातर इसके अंदर से पास आउट होंगी। जो लाइंस है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो परपेंडिकुलर होने में मैक्सिमम पास आउट होंगी। ये देखें, मैक्सिमम इसमें से पास आउट हो रही हैं। तो उस दौरान हमारी फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब वो उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है तो उसमें से मिनिमम लाइंस पास आउट होंगी। अगर इस सूरत में है कोई चीज़ तो ये लाइंस जा रही हैं, पैरेलल हैं, तो एक या दो लाइंस ऐसी होंगी जो इसमें से पास आउट होंगी, वरना सारी इसके ऊपर से गुजर जाएंगी। ये तब होगा जब ये पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो मिनिमम लाइंस पास आउट होंगी, और जब परपेंडिकुलर होगा तो उस दौरान में मैक्सिमम पास आउट होंगी। और एक तीसरा केस हमारे पास ये वाला आ जाता है, ना ही वो परपेंडिकुलर हो और ना ही वो पैरेलल हो, तिरछा पड़ा हुआ हो। अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसमें से लाइंस पास आउट हो रही हैं, उसमें से भी या तो नॉर्मल लाइंस पास आउट होंगी, कुछ लाइंस पास हो जाएंगे लेकिन कुछ जो लाइंस हैं वो नहीं पास होंगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल इसकी कंडीशन है कि जिसमें कोई चीज़ अगर परपेंडिकुलर बन रही है, अगर इसका एरिया ही इसके 90 के डिग्री के इक्वल आता है, परपेंडिकुलर आता है, देन उसमें से लाइंस पास आउट होंगी। अगर वो उसके पैरेलल है तो पास आउट नहीं होंगी। इसमें से ये नॉर्मल पोजीशन है कि इसमें से कुछ लाइंस पास आउट भी हो जाएंगी, कुछ नहीं भी होंगी। ठीक है,
जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो उस दौरान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई डॉट ए, ई ए आ जाएगा, और जब मिनिमम होगा तो वो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि कोई लाइन्स पास आउट ही नहीं होंगी। जब नॉर्मल आएगा तो ई ए ही रहेगा। बस ये तीन एग्जांपल्स इसमें से आपने स्टडी करनी है और इसकी डेफिनेशन रेडी करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसका मैथमेटिकली फॉर्म, इसकी नेचर, इसका यूनिट, और साथ में इसकी ये तीन कंडीशंस कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है और कब नॉर्मल होता है। यह पूरा टॉपिक आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टडी करना है। फिर जिसको जो मुश्किल आए तो वो मुझसे पूछ ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़।